हमारे कैंडिडेट्स डॉक्टर सतीश वर्जुकर जी, संतोष रावत जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के और हमारे गठबंधन के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता बब्बर शेर टाइगर, शिवसेना, एनसीपी और जो बाकी हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनके भी कार्यकर्ताओं का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। प्रेस के हमारे मित्र हैं इनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। मित्र कह देता हूँ मगर दोस्त का काम नहीं करते हैं ये। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि मीडिया किसानों का मुद्दा, गरीबों का मुद्दा क्यों नहीं उठाती। आपने देखा होगा, कभी आपने मीडिया को किसान के मुद्दे के बारे में बोलते हुए देखा है? मजदूर दिखते हैं आपको मीडिया में? बेरोजगारी की बात होती है? महंगाई की? अंबानी की शादी देखिए आपने, कितने दिन मीडिया ने अंबानी जी की शादी दिखाई, डांस गाना, 10 करोड़ की घड़ी, हवाई जहाज, दुनिया भर से लोग आए, ये दिखाते हैं। और फिर एक तरफ अंबानी जी की शादी, दूसरी तरफ 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, वही दिखता है। विपक्ष के चेहरे आपको नहीं दिखेंगे मीडिया में। और ये क्रांतिकारी जमीन है, यहां अंग्रेजों के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी, पहली बार अंग्रेजों का झंडा उतरा और खादी का झंडा आपने लहराया। तो शुरुआत मैं संविधान से करता हूं, क्योंकि जो आप लड़ाई लड़े थे, जो यहां हमारे युवा शहीद हुए थे, वो संविधान के लिए लड़े थे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में भाईचारा हो, समानता हो, एकता हो, और वो चाहते थे जो अंग्रेज उनका धन चोरी कर रहे थे वो बंद हो और अंग्रेज हिंदुस्तान से वापस जाएं। ये काम आपने ही शुरू किया था। और ये चुनाव भी दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। जब यहां आपके युवा शहीद हुए थे वो भी विचारधारा की लड़ाई थी, आज भी वही चल रहा है। वो जो आपके यहां युवा शहीद हुए थे वो इसके लिए शहीद हुए थे, संविधान के लिए। बिरसा मुंडा जी, कांत्या भील जी, गुलाम महाराज, कुमराम भीम जी, संत तुकड़ो जी महाराज, इन सब की सोच इसमें है। यह नई किताब नहीं है, इसके लिए हजारों साल से इस देश में लड़ाई चल रही है। और हमारे जो महापुरुष हैं, जो लीडर्स रहे हैं हिंदुस्तान के, अंबेडकर जी हो, महात्मा गांधी हो, फूले जी हो,
उन सब की सोच इसमें है। आप अगर इसको खोल के पढ़ेंगे तो जो बिरसा मुंडा जी कर रहे थे और कह रहे थे इसमें आपको दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है देश को संविधान से चलाना चाहिए, और आरएसएस बीजेपी कहती है संविधान को परे करो, संविधान को हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं हर मीटिंग में संविधान दिखाता हूं क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप ही की क्रांति की याद दिलाना चाहता हूं, आप ही के शहीदों की याद दिलाना चाहता हूं, अंबेडकर जी, गांधी जी, इनकी याद दिलाना चाहता हूं, और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उनके दर्द, उनके दुख, उनके खून से ये किताब बनी है। गांधी जी ने अपनी जिंदगी दी, बिरसा मुंडा जी ने जिंदगी दी इस किताब के लिए, और आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस किताब के अंदर कुछ नहीं है, खाली किताब है। देखिए, ये खाली किताब नहीं है, ये देखिए, वो उनको खाली लगती है क्योंकि उन्होंने ये किताब कभी नहीं पढ़ी। आरएसएस के लोग इस किताब को मानते नहीं हैं, इसको पढ़ते नहीं हैं। मुझे बताइए, आपकी सरकार आपसे चोरी की गई, आपने पिछली सरकार चुनी और बीजेपी ने करोड़ों रुपए देकर, एमएलए को करोड़ों रुपए देकर आपसे सरकार चोरी की। धारावी की जमीन चाहिए थी उनको, 1,00,000 करोड़ रुपए की जमीन है, अदानी जी के हवाले करनी थी, इसीलिए आपकी सरकार गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, संविधान में कहां लिखा है कि एमएलए को पैसे देकर सरकार को गिराना चाहिए? कौन से पेज पे लिखा है मुझे बता दो। संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान में चुनाव होना चाहिए और जो चुनाव जीतता है उसे सरकार चलानी चाहिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप चुनी हुई सरकारों को पैसे से गिराओ। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों के 16,00,000 करोड़ रुपए माफ किए हैं, मुझे दिखा दो अंबेडकर जी के संविधान में कहां लिखा है कि 25 लोगों का 16,00,000 करोड़ रुपया माफ होना चाहिए और हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का 1 रुपया माफ नहीं होना चाहिए? मुझे बता दो कहां लिखा है। क्या अदानी जी के लिए, अदानी जी के धन बढ़ाने के लिए बिरसा मुंडा जी ने अपनी जान दी? यहां जो युवा शहीद हुए थे, क्या वो अदानी जी के लिए शहीद हुए थे या हिंदुस्तान के किसान के लिए, हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए, हिंदुस्तान के आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए? जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि संविधान के अंदर कुछ नहीं है, खाली है, जब कहते हैं राहुल गांधी लाल संविधान दिखा रहा है, तो राहुल गांधी का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो बिरसा मुंडा जी का, अंबेडकर जी का, गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, और उनसे भी ज्यादा हिंदुस्तान के किसान का, हिंदुस्तान के मजदूर का, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवा का अपमान कर रहे हैं। सच्चाई है ये। मैंने पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी से कहा, आप एक काम कीजिए, ये जो दीवार बनी है 50% रिजर्वेशन की, नरेंद्र मोदी जी इसको आप तोड़ दीजिए, विपक्ष आपका पूरा समर्थन करेगा, राहुल गांधी आपका पूरा समर्थन करेगा अगर आप ये दीवार तोड़ोगे।
नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। उनके सामने मैंने बोला, नरेंद्र मोदी जी, देश को जाति जनगणना की जरूरत है, जाति जनगणना कराइए, पिछड़ों को बताइए उनकी कितनी आबादी है, दलितों को बताइए उनकी कितनी भागीदारी है, आदिवासियों को बताइए उनकी कितनी भागीदारी है। नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, डेढ़ घंटे का भाषण दिया उसके बाद, ना रिजर्वेशन के बारे में, ना जाति जनगणना के बारे में एक शब्द बोला। और फिर अपने भाषण में कहते हैं कि राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देना चाहिए, हर मीटिंग में कहता हूं, हर मीटिंग में मैं कहता हूं जाति जनगणना होना चाहिए। और देश का प्रधानमंत्री खुलकर स्टेज में झूठ बोलता है, कहते हैं कि राहुल गांधी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चला है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज हम कहते थे संविधान को बचाना है, नफरत मिटानी है, नफरत, हिंसा, इनको खत्म करना है, नारा दिया हमने, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब आप पूछोगे मुझसे कि भाई राहुल जी, जाति जनगणना क्यों, रिजर्वेशन 50% से ज्यादा क्यों, आप पूछोगे। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में 8% आदिवासी हैं, 15% दलित हैं, 50% ओबीसी हैं। और ये मैंने 50 बोला है मगर कोई नहीं जानता कितना है, अंदाजा लगाते हैं 50 होगा, 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि आज तक सेंसस में यह सवाल पूछा ही नहीं गया है। 50% पिछड़ा वर्ग, 15% दलित, 8% आदिवासी, और उसमें 15% माइनॉरिटी जोड़ दीजिए, 90% हो जाता है तकरीबन। मैंने आपसे मीडिया के बारे में बात की, मैंने आपसे कहा अदानी की शादी दिखती है, क्रिकेट मैच दिखते हैं, मगर आपको मीडिया में दलित वर्ग का कभी कोई नहीं दिखेगा, आदिवासी कभी नहीं दिखेगा, पिछड़े वर्ग के लोग नहीं दिखेंगे। आप एंकर्स की लिस्ट निकालिए, पत्रकारों की लिस्ट निकालिए, बड़े बड़े एंकर्स हैं हिंदुस्तान में, 100-200 हैं, ज्ञान देते हैं 24 घंटा, उनमें से मुझे आप एक दलित का नाम बता दीजिए, एक आदिवासी का नाम बता दीजिए, एक पिछड़े वर्ग का नाम बता दीजिए, एक नहीं है। मीडिया को छोड़िए, आप कहेंगे नहीं हमें मीडिया नहीं चाहिए, ठीक है, तो चलिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनी की लिस्ट निकालते हैं, अदानी की लिस्ट निकालते हैं, अदानी की कंपनी की लिस्ट निकालते हैं, अंबानी की कंपनी की लिस्ट निकालते हैं, टाटा बिरला सबकी लिस्ट निकालो, 200 कंपनी है, मुझे बता दो मालिकों में से ओबीसी कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है, नाम बता दो मुझे। अच्छा आप कहोगे नहीं भैया हम आदिवासी हैं, हम दलित हैं, हम पिछड़े वर्ग हैं, हम मालिक नहीं बनना चाहते, ठीक है, तो फिर मुझे बताओ 200 कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट में कौन है, कौन है सीनियर मैनेजमेंट में दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग का, करोड़ों रुपए की सैलरी होती है, किसी को 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, नाम बता दो मुझे, दलित का नाम बता दो, आदिवासी का नाम बता दो, पिछड़े का नाम बता दो, ठीक है, शायद आप कंपनी में काम नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूं कि दलित के बेटे बेटियां
आदिवासियों की बेटी बेटियां, पिछड़ों के बेटी बेटियां हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक बने। गेम चल रहा है, आप जीएसटी का पैसा देते हो, आपके जेब से निकलता है, सीधा जाता है, दिल्ली जाता है और फिर बढ़ता है। 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ है 25 लोगों का, उस लिस्ट में मुझे एक दलित का नाम दे दो, एक आदिवासी का नाम दे दो, एक पिछड़े वर्ग का नाम दे दो, मैं भाषण देना बंद कर दूंगा। आप मेहनत करते हो, किसान मेहनत करता है, मजदूर मेहनत करता है, सोयाबीन उगाते हो, कपास उगाते हो, धान उगाते हो, जीएसटी देते हो रोज, शर्ट खरीदी जीएसटी, पैंट खरीदा जीएसटी, फोन खरीदा जीएसटी, पेट्रोल डाला जीएसटी, अपना ही अनाज खरीदा जीएसटी, अपना आलू खरीदा जीएसटी, लाखों करोड़ रुपए निकलते हैं आपके जेब से और भी सीधे दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में बजट बनता है। निर्मला सीतारमन आपको हर साल दिखेंगी, सूटकेस लिए घूमती हैं, मीडिया वाले दिखाते हैं, धूमधाम होता है, बड़े बड़े उद्योगपति पार्लियामेंट पे बैठते हैं पेन लेकर। कोई किसान नहीं अलाउ वहां पे, कोई मजदूर नहीं बैठ सकता वहां पे, मैंने देखे अपनी आंखों से, बैठते हैं लिखते हैं। मैंने पता लगाया ये बजट जो बांटता है ये कौन बांटता है, 90 अफसर बांटते हैं, आईएएस अफसर हैं 90। कितना पैसा महाराष्ट्र आएगा, कितना रेलवेज में जाएगा, किसानों को कितना मिलेगा, मनरेगा में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, प्राइवेटाइजेशन कब होगा, कैसे होगा, किसका होगा, ये 50-90 लोग निर्णय लेते हैं। मैंने इनकी लिस्ट निकाली, मैं दिखा दूंगा आपको। 90 में से एक आदिवासी है, एक आदिवासी है 90 में से, 8% आपकी आबादी है। और अगर हिंदुस्तान की सरकार आपका पैसा खर्च करती है, अगर 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 रुपए का निर्णय लेते हैं। आबादी 8%, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसा। चलिए दलितों की बात करते हैं, आप 15%। आपने देश को संविधान दिया, आपके नेता ने देश को संविधान दिया, अंबेडकर जी के बिना यह संविधान नहीं बन सकता था, सच्चाई है ये। और आपकी क्या भागीदारी है, आप 15% हो। हजारों साल से आपको दबाया गया है, हर रोज आपको तंग किया जाता है, आज भी तंग किया जाता है। 15% हो 90 में से आपके 3, और अगर 100 रुपए खर्च होता है हिंदुस्तान का, अगर 100 रुपए खर्च होता है हिंदुस्तान के बजट में तो 1 रुपया आपका। आबादी 15%, भागीदारी 100 रुपए में से 1 रुपया। अब चलिए पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की, ओबीसी की बात करते हैं। आप 50% हो, 50% मतलब 2 हिंदुस्तानियों को खड़ा कर दो, एक पिछड़े वर्ग का है। 100 को खड़ा करो, 50 पिछड़े वर्ग के निकलेंगे, 1000 में 500। आपके 3 अफसर हैं, पीछे बैठा रखा है, उनसे कहते हैं अपनी औकात समझो, पीछे बैठो, और अगर 100 रुपए खर्च होते हैं तो जिनकी 50% आबादी है उनको 5 रुपए का निर्णय मिलता है, 5 रुपए का डिसीजन लेते हैं वो। तो सब मिलाकर 50%, 15%, 8% मिला दो,
मतलब 70% से ज्यादा आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे। यह सच्चाई है देश की। मैं आपके कर्जे माफ की बात करता हूं, मीडिया वाले कहते हैं राहुल गांधी आप आदत बिगाड़ रहा है, और उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो जाता है, कहते हैं देखो देखो कितना विकास हुआ, देखो देखो कितना विकास हुआ। आप पैसा देते हो उनका कर्जा माफ होता है, आप पैसा देते हो आपकी जमीन जाती है। मैं आपको बताता हूं, धारावी में अगर 10 अमीर लोग रहते ना, जमीन कभी अक्वायर नहीं होती। 10 अगर उसमें 10 रहते, अगर उसमें अदानी का घर होता बीच में, कभी अक्वायर नहीं होती। वो इसलिए अक्वायर हो रही है क्योंकि उस पर गरीब लोग बैठे हैं, उस पर पिछड़े लोग बैठे हैं, उस पर दलित बैठे हैं, उस पर आदिवासी बैठे हैं, इसलिए अक्वायर हो रही है। और पूरे देश में आप जाइए, जहां भी जमीन अक्वायर होती है आपकी होती है, किसानों की होती है, पिछड़ों की होती है, दलितों की होती है, 5% गरीब जनरल कास्ट है उनकी होती है। आपने कभी सुना अमीर लोगों की जमीन अक्वायर होते हुए? कभी सुना आपने कि इस देश में किसी अमीर व्यक्ति की जमीन अक्वायर हो गई? गरीब लोगों ने क्या गलती की है कि आपकी जमीन जाती है उनकी नहीं जाती? संविधान में कहीं लिखा है कि धारावी की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन गरीबों से छीन कर अदानी जी को देनी चाहिए? कहां लिखा है मुझे दिखा दो, कौन से पेज पे है? मैं बोलना बंद कर दूंगा। तो जितना भी धन है आपका उधर जाता है, और जो आपके लिए लड़ता है, कन्याकुमारी से कश्मीर चलता है, भट्टा परसोल में जाता है, जमीन अधिकरण बिल लाता है, मनरेगा को सपोर्ट करता है, उसको ये मीडिया वाले 24 घंटा गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए लड़ता है। जहां आपका अपमान होता है वहां खड़ा हो जाता है। अब महाराष्ट्र की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की आएगी, जितना पैसा उन्होंने अरबपतियों को दिया उतना हम आपको देने वाले हैं। जाति जनगणना की मैंने आपको बात बता दी, जाति जनगणना हम यहां करेंगे, दिल्ली में करेंगे, और पता लगाएंगे सचमुच में आपकी भागीदारी कितनी है, कौन सी संस्था में आपके कितने लोग हैं, मीडिया में कितने हैं, कॉर्पोरेट इंडिया में कितने हैं, प्राइवेट अस्पताल किसने में कितने हैं, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी कितनी है, ये पूरा मतलब एक्सरे कर देंगे। महाराष्ट्र में भी करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे, तेलंगाना में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, और यहां भी करेंगे। 50% की जो दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की, उसको तोड़ के परे कर देंगे। अब यहां हमारी बहनें आई हैं, आप रीढ़ की हड्डी हो देश की, डबल काम करती हो आप, डबल करती हो, भूलो मत। आप, आपके पति बाहर जाके काम करते हैं, आप भी बाहर जाके काम करती हैं, और फिर आप वापस आके खाना पकाती हैं, घर साफ करती हैं, मार्केट जाती हैं। तो अगर आपके पति 8 घंटा काम करते हैं तो आप 16 घंटा काम करती हैं। शायद यहां जो पुरुष हैं उनको मेरी बात अच्छे ना लगे, मगर वो सच्चाई है। तो हमने निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र की हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने हम 3,000 रुपए सीधा अंदर डालेंगे। खटाखट अंदर। आप सुबह जगोगी, 1 तारीख को जगोगी, बैंक अकाउंट चेक करोगी, देखोगी 3,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। उसके बाद आप मार्केट जाओगी, बच्चों से कहोगी कि मैं मार्केट जा रही हूं, बस स्टैंड में जाके खड़ी होगी, जब बस में जाओगी कंडक्टर आपसे कहेगा, आप पूछोगी, टिकट खरीदने जाओगी कंडक्टर आपसे कहेगा
मैडम महाराष्ट्र की सरकार ने ये फ्री में कर दिया, आपको एक रुपया नहीं देना। फिर आप पूछोगी कहां तक फ्री है, और कंडक्टर आपको कहेगा जहां भी महाराष्ट्र में आप बस में जाना चाहती हो सारा का सारा फ्री है। 10 किलोमीटर जाने 10 किलोमीटर, 50 जाने 50, 100 जाने 100, 200 जाने 200, 500 किलोमीटर जो भी आपको बस में जाना है वो महिलाओं के लिए महाराष्ट्र में फ्री है। और जैसे ही हम ये काम करेंगे पुरुष हमारे हमसे कहेंगे, किसान हमसे कहेंगे ये आपने क्या कर दिया राहुल जी, आपने महिलाओं को 3,000 रुपए दे दिए हर महीने, आप उनको बस में फ्री घुमा रहे हो, हमारा क्या होगा, आपने तो बैलेंस बिगाड़ दिया, महिलाओं को आपने पैसे दे दिए बस में फ्री कर दिया, हमार को आपने कुछ नहीं दिया। तो उनसे भाइयों से मैं कहना चाहता हूं 3 लाख रुपए का कर्जा आपका माफ होगा, 3 लाख रुपए तक का आपका कर्जा माफ होगा। सोयाबीन के लिए आपको 7,000 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा, कपास के किसानों के लिए सही MSP हम बना के देंगे, और जो प्याज के किसान हैं उनके लिए हम एक फेयर प्राइस कमीशन, जो प्याज के दाम को मॉनिटर करेगा और कंट्रोल करेगा, ये हम महाराष्ट्र के किसानों के लिए करने जा रहे हैं। अब गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हेल्थ केयर से होता है, स्वास्थ्य से होता है, बीमारी हो जाती है, चोट लग जाती है, अस्पताल आपके नहीं है। पहले सरकारी अस्पताल होते थे उसमें फ्री काम हो जाता था, अब सारे के सारे प्राइवेट हैं। जैसे मैंने आपसे कहा उसमें एक OBC नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा मालिक, एक आदिवासी मालिक नहीं मिलेगा। तो आप जाते हैं अस्पताल, जाते हैं वाल्व बदलवाना होता है, स्टेंट लगवानी होती है, कैंसर का ऑपरेशन होना है, लाखों रुपए आपके निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगता। दवाई में MRI एक्सरे 10-15 दिन में सालों की मेहनत गायब हो जाती है। इसलिए हमारी सरकार आपके लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना ला रही है। बीमार हो गए अस्पताल जाएंगे, चाहे वो स्टेंट वाल्व का ऑपरेशन हो, लिवर का हो, किडनी का हो, ट्रांसप्लांट हो, जो भी है, महाराष्ट्र की सरकार 25 लाख रुपए तक का बीमा आपको देगी। आप जाओगे अस्पताल जाओगे, स्टेंट लगेगी, बिल देने जाओगे, प्राइवेट अस्पताल आपको कहेगा कि महाराष्ट्र की सरकार ने आपकी बिल क्लियर कर दी है, आपको एक रुपया नहीं देना। यह सब संविधान में लिखा है, संविधान में लिखा है कि इस देश के नागरिकों को शिक्षा, हेल्थ केयर, रोजगार मिलने का काम सरकारों का है। हम जो इसमें लिखा है वही करते हैं। इसमें लिखा है कि अगर धन बटेगा तो सबको एक साथ समानता के साथ, न्याय के साथ दिया जाएगा। इसमें लिखा है, पहली लाइन है कि यह देश हर एक नागरिक का है। इसकी पहली लाइन ये नहीं है कि यह देश अदानी का है, अंबानी का है, और इस देश का पूरा फायदा 20-25 अरब पतियों को मिलना चाहिए, इसमें कहीं नहीं लिखा। हम इसका प्रयोग करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं, इसीलिए हम आपको महालक्ष्मी योजना दे रहे हैं, इसीलिए हम आपको स्वास्थ्य बीमा योजना दे रहे हैं, इसीलिए हम किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं, इसीलिए 3,000 रुपए हम महिलाओं के बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं।
हम इसकी रक्षा करते हैं। और वो 24 घंटा बंद कमरों में इसको खत्म करते हैं। अरबपतियों का कर्जा माफ कर देंगे, सरकार गिरा देंगे, किसान बिल लाने की कोशिश करेंगे। ये लड़ाई आप देखिए, देश में बेरोजगारी फैल रही है। जितनी बेरोजगारी आज है इतनी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं रही। महंगाई बढ़ती जा रही है। आपको अपने बच्चों की शादी करवानी होती है, कर्ज में डूब जाते हो आप। किसान आत्महत्या कर देता है और दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपए शादी में जलाए जाते हैं। मीडिया दिखाता है, नोटबंदी की, जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की, ये योजनाएं नहीं है, ये गरीबों के खिलाफ हथियार हैं, ये गरीबों को मारने के हथियार हैं। जो छोटे बिजनेस वाले थे, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, उनको मारने के हथियार हैं ये। क्योंकि अरबपति जो हैं हिंदुस्तान में चाइना का माल बेचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जीएसटी बना, जीएसटी दो, आप अपना पैसा निकाल के दो, वो आपको चाइना का माल बेचे, हिंदुस्तान में कुछ बने ना, और पूरा का पूरा पैसा उनके उनके पास जाता जाए। ये सिस्टम है इनका। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान में प्रोडक्शन हो, हिंदुस्तान में गाड़ी बने, हिंदुस्तान में आईफोन बने। ये चाइना का आईफोन यहां बेचना चाहते हैं। आसान है, अगर चाइना का बेच सकते हो तो यहां क्यों बनाना। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने सारे के सारे छोटे जो बिजनेस हैं वो खत्म कर दिए, नोटबंदी जीएसटी के साथ। और आज नतीजा है कि हिंदुस्तान में रोजगार पैदा ही नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब तक है हिंदुस्तान में रोजगार नहीं पैदा हो सकता। खत्म। हमारी सरकार यहां पे 10 लाख युवाओं को अगले 5 साल में रोजगार देने की कोशिश करेगी। ढाई लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, वो 2.5 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। महाराष्ट्र के गरीब लोगों के, किसानों के, उनके हवाले कर देंगे। और जब तक महाराष्ट्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, उस दिन तक हम 4,000 रुपए का अलाउंस हर महीने उनके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। आप यहां आए, दूर दूर से आए, आपने कष्ट उठाया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। और आखिरी बार याद दिलाना चाहता हूं कि यह लड़ाई संविधान की है, अंबेडकर जी के संविधान की है, फूले जी की, जिन लोगों ने यहां अपनी पूरी जिंदगी दी, जान दी, उनके लिए यह लड़ाई चल रही है। आपका